दमोह का जिला अस्पताल इन दिनों अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में है। आज फिर एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल नसबंदी कराने आई एक महिला जिसकी मौत हो गई थी, उसका सब परीक्षण कराने परिजन परेशान होते रहे। सुबह से लेकर परिजन दोपहर तक इंतज़ार करते रहे, परंतु सब परीक्षण नहीं हो सका। बहुत देर हो जाने के बाद दोपहर बाद उसका सब परीक्षण हो पाया। आगे दादा मैडम वो देखो कर दिया पड़ा का नसबंदी कराए हैं हम, और जे अस्पतालन की मनमानी से फ्री में मुर्दा हो रहे हैं आदमी। क्या है, घरे बैठे नौकरी कर रही ना, इस पार्ट पे गए गाँव ही नहीं, और सब काल के डरे हैं। आज तक अब तक मजा नहीं भाव मुलाजो, भूखे और प्यासे तड़प रहे आदमी। तो चलोगो सो चलोगो हमारे और जावे बारे। किसको दोषी मानते हैं आप, किसको दोषी मानते हैं आप? जे हमारी कविता बहू हती ना, उसके पीछे हमारे डरे हैं। वो मुर्दा धरती में धरो की पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, क्यों देरी हो रही है? अबे आए ना हते, अब आए हैं, जबकि सैकड़ों आदमी मेरे घर मेलो है, और है सो छः सात आदमी जे इतना डरे हैं। जीप बारो भी जब ऐसे धरे खड़ो, उसका भी नुकसान हो रहा है। कल धनगुआ थाना कुमारी से कविता पति तखत लोधी, उम्र करीब 29 वर्ष, इलाज के लिए यहाँ आई थी, जो ख़त्म हो गई थी, जिसका आज पंचनामा कराया गया है और पीएम के लिए शव भेजा गया है। परिजनों का आवारे तो क्या वजह? वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ था उसका, और ऑपरेशन के बाद करीब 3 दिन में उसकी मौत हो गई है। तो पंचनामा कराया गया है, पीएम हो रहा है, और जांच पर पता चलेगा किस कारण से मृतका की मौत हुई है।